नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। आज बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, पीएम मोदी के मन की बात की, किसान सम्मान निधि की किश्त पर एमपी सरकार के नोटिस की, जानेंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा, और बुलेटिन के आखिर में बात 1 जनवरी से किन नियमों में होंगे बदलाव। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानून पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी हुई बीजेपी से अलग, अकाली नेता हरसिमरत कौर का बयान, आरएलपी ने दिया मजबूत संदेश, जो दल अन्नदाता समर्थक वो अन्नदाताओं के सम्मान में सब कुछ छोड़ने को तैयार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को लिखा पत्र, कहा पश्चिम बंगाल के हावड़ा की जूट मिल को फिर से खुलवाए सरकार, मिल बंद होने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है असर। यूपीए के नेतृत्व को लेकर शिवसेना की टिप्पणी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी सफाई, कहा यूपीए का नेतृत्व करने की उनकी कोई इच्छा नहीं, शिवसेना के बयान पर नाराज थी कांग्रेस। परिवहन विभाग ने वाहन चलाने वालों को दी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई, स्वास्थ्य मुसीबत के चलते सरकार ने लिया फैसला। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यदि गाड़ी पर लिखवाई धर्म या जाति तो गाड़ी हो जाएगी जब्त, वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर होगी कार्रवाई। सुर्खियों के बाद बात सिंघू बॉर्डर पर चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन की। इस आंदोलन में शामिल लोगों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। किसी प्रदर्शनकारी किसान की अगर तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए न सिर्फ डॉक्टर्स की टीम है बल्कि मिनी क्लिनिक भी है। टीवी लाइव की टीम ने सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों की चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। तो आप मोहाली से हैं और यहाँ पे देख रहा हूँ कि पूरे एक डॉक्टर का जो पूरा किट होता है वो तैयार है और आप लोग लगातार सेवा कर रहे हैं, तो आखिर ये कैसे सूझा कि यहाँ पहुँचना है और सेवा देनी है? देखो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, पर हमारे दादा परदादा सारे दे आर फार्मर्स, और ब्लड हमारा फार्मर्स का ही है, तो जब भी हम इन लोगों को देखते हैं टीवी पे मुझे लग रहा है कि मेरे को तो नींद नहीं आ रही थी पिछले जब से ये स्टार्ट हुआ है। हम लोग वहाँ पे आराम से सो रहे हैं, ये लोग यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बेसिकली जो खून है वो तो खोलेगा, खून तो पंजाबी है। इमरजेंसी के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? सर ऐसे है कि हार्ट अटैक तो हॉस्पिटल के अंदर भी हो सकता है, तो हम ये कहें कि हम पूरी तरह तैयार है वो तो नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल्स खड़े किए गए हैं, ट्रालियों के अंदर लोगों को एडमिट किया जा रहा है, यही सुविधा है। हम ये कहना सकते हैं कि हरियाणा से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हालांकि जो दिल्ली स्टेट है वहाँ से अगर हमें इमरजेंसी पड़ती है तो उनकी एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं। हमारे जितने भी लोग बचाए हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट ने बचाए हैं, दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज ने बचाए हैं। हरियाणा के अंदर अगर हमने सिविल अस्पताल जो कि सोनीपत यहाँ से 12 किलोमीटर है और दिल्ली का जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो 17-18 किलोमीटर पर हम रेफर करना दिल्ली को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हरियाणा से। रीज़न यही है कि हरियाणा से हमें कोई पॉलिटिकल रीज़न है या क्या रीज़न है, हरियाणा से कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये बताइए कि कितने लोग आप तक आ जाते हैं रोज़ चेकअप के लिए? रोज़ आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 2600 तो हम दांत निकाल चुके हैं, 2600 दांत हम निकाल चुके हैं। 27 तारीख को हम यहाँ पे आ गए थे, 28 तारीख से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा 200-250 पेशेंट ऐसा है जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गोड्डों के दर्द, क्योंकि बुजुर्ग काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं बुजुर्ग काफ़ी हैं यहाँ पे, तो बुजुर्ग जो भी हैं उनको घुटनों की दर्द होगी, उनके नसों की दर्द होगी, वो लोग आए। तो ये देख रहा हूँ पीछे, ये क्या एक मिनी हॉस्पिटल नुमा बना रखा है आपने? ये मोबाइल डेंटल क्लिनिक है, आप अंदर आके देखिए लोगों के कैसे दांत निकल रहे हैं और कैसे चीज़ें हो रही हैं। स्पेशली डेंटल जो है वो डेंटल के लिए, अच्छा ये डेंटल के लिए एक्सक्लूसिवली डेंटल क्लिनिक है जिसके अंदर दांतों के एक्सरे, ये अपनी बिजली से चलता है, इसका जनरेटर बीच में लगा हुआ है और सारे ट्रीटमेंट जो एक डेंटल हॉस्पिटल में हो सकते हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि ये वक्त जो है कोविड का है और हम देख रहे हैं कि लगातार लोग बिना मास्क के हैं और इतनी क्राउड है यहाँ पे, भीड़ है, उसमें कितना एक डॉक्टर होने के नाते आप कितना सीरियस मामला समझते हैं इसको? देखो ऐसे है, कोविड एक वायरस है जो कि 2009 का है, ये तो अब इसको 2019 में इसको इतना वो कर दिया,
बाकी डेंजरस तो है ही है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए। अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे महीना हो गया और हमने बुखार के यहाँ ऐसे पेशेंट इतने नहीं देखे। जैसे कहते हैं ना, बुखार के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। गोड्डों के, गला ख़राब के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन बुखार का पेशेंट बड़ा रेयर है। अगर मैं ये कहूँ कि एक दिन के अंदर एक पेशेंट बुखार का आता है, तो हम उसे बड़ा समझते। लेकिन इस जगह के ऊपर कोई ऐसी गुरु नानक देव जी की शक्ति है, कोई वाइब्स हैं ऐसी, जिसके करके यहाँ पे बहुत ही एटमॉस्फेयर हेल्दी है और कोविड का कोई ऐसा नामोनिशान नहीं है। अगर कोई है तो यहाँ से पेशेंट कहाँ जा रहे हैं उसकी हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि 35 एम्बुलेंसेज जो सी यहाँ लगी हुई है उनके मैं कॉन्टैक्ट में हूँ और हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। एक हमने ग्रुप भी बनाया है, अगर कोई कोविड का पेशेंट निकल के आ रहा है तो उसके हमें नॉलेज है, तो ऐसे कोई पेशेंट नहीं निकल। ये जो 35 एम्बुलेंसेज हैं, ये दिल्ली सरकार के हैं? ये डिफरेंट एरिया पंजाब से आई हुई हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपनी लगाई हुई हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की जो एम्बुलेंसेज हैं वो दिल्ली के एरिया के अंदर है। हम अभी हरियाणा के कुंडली में, वो सिंधु में लगी हुई हैं। उनकी 17 एम्बुलेंसेज हैं जिनकी हमें नॉलेज है, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं और अपनी सेवाएँ हमें दे रही हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो सेवा भी कर रहे हैं, जैसे ये मैडम है, ये बॉम्बे से आए हुए हैं, वो होती है ऑटोक्लेव। तो वो पीछे आप जो मशीन देख रहे हैं लंबी सारी, वो ऑटोक्लेव है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जिस चीज़ का होता है क्रॉस इन्फेक्शन का डर, वो ऑटोक्लेव भी इसके अंदर इक्विप्ड है। तो जो भी आप ये कह सकते हो, एक तरह का सारा डेंटल हॉस्पिटल इस बस के अंदर है। और ये बड़ी बात ये है कि ये अपनी बिजली से चल रहा है, इसका जनरेटर बाहर लगा हुआ है, ये अपनी जनरेटर पर ही चल रहा है। ये पंजाब से लेके आए हैं? ये हम पंजाब से ही लेके आए हैं। तो जब किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाता ने सद्दा दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे, तब हमने भी डिसाइड कर लिया था कि हम भी इनके साथ जाएंगे। और ये 5 नवंबर को सद्दा इन्होंने दिया था, तब हमने ये डिसाइड किया था कि हम भी इनके साथ जाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि ये आंदोलन 5-6 दिनों का नहीं, ये बड़ा आंदोलन होएगा। और लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हर कोई कोई मेडिसिन पे होता है, कोई ट्रीटमेंट करा रहा होता है डेंटल का भी, तो उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो फिर हमने इसको उसी हिसाब से इक्विप्ड करके, डेंटल तो है लेकिन अगर अचानक कोई और ज़रूरत पड़ गई तो क्या यहाँ वो सुविधा उपलब्ध है? अगर आप कहें ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो अवेलेबिलिटी है, लेकिन वेंटिलेटर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वेंटिलेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है कि हमने यहाँ से जो दूसरा बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर, वहाँ पे भी 2 एम्बुलेंसेज भेजी हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सरप्लस सर्विसेज हो गई थी। तो अब टीकरी बॉर्डर और अब राजस्थान के बॉर्डर की भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे भी जल्दी हम अपनी सर्विस शुरू करेंगे। अन्नदाता पूरी तरह से तैयार हैं, अपना हक लेकर ही हटेंगे, यानी सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। इसके लिए अन्नदाताओं की ओर से तो सरकार को बातचीत का प्रस्ताव दे दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकार कल यानी सोमवार को इस पर जवाब दे सकती है, लेकिन क्या सरकार अन्नदाताओं की मांग मानेगी? अब सबकी निगाहें 29 दिसंबर पर हैं, क्योंकि अन्नदाताओं ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें इसी दिन बातचीत का प्रस्ताव है, लेकिन अन्नदाताओं ने इसके आगे की भी तैयारी कर रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 32वां दिन था। सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान से आज 30,000 से ज्यादा अन्नदाता दिल्ली के लिए निकले। अन्नदाताओं ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में बातचीत का प्रस्ताव सरकार को दिया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि बातचीत कानून वापस लेने की प्रक्रिया पर होगी। इसके साथ ही MSP बिजली बिल को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन कानून में संशोधन को लेकर अन्नदाता कोई चर्चा नहीं करेंगे। सरकार की ओर से इंतजार है अन्नदाताओं के प्रस्ताव के जवाब का। सरकार ने अभी तक जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 29 दिसंबर को अन्नदाताओं की सरकार से वार्ता तय है। अन्नदाता वार्ता के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। हरियाणा में आज भी टोल प्लाजाओं पर अन्नदाताओं का कब्जा रहा। 23 दिसंबर को सिंघू मानेसर पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च आयोजन की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर ही अन्नदाता नए साल का जश्न मनाएंगे। आज PM के मन की बात का भी अन्नदाताओं ने विरोध किया और इसके लिए ताली और थाली बजाई। अन्नदाताओं ने PM के मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से PM ने ताली और थाली बजवाकर देश का संक्रमण भगाया था, उसी तरह से हम भी ताली और थाली बजाकर देश में अन्नदाताओं के खिलाफ बनाए गए कानून को भगाना चाहते हैं। अन्नदाताओं ने बातचीत के एजेंडे से लेकर आंदोलन की रणनीति सब तैयार कर रखी है। अब 29 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन आज इंतजार PM के कार्यक्रम मन की बात का भी हो रहा था। उम्मीद थी कि PM अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर बोलेंगे। PM हर मुद्दे पर बोले, लेकिन अन्नदाताओं के मुद्दे पर उन्होंने संकेतों में ही बात की। तो क्या कहा PM ने मन की बात में, देखिए ये रिपोर्ट।
अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 32वां दिन है, लेकिन अब तक उनके आंदोलन का कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल की अंतिम मन की बात की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है, अगले साल अगली मन की बात होगी। उन्होंने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है, इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। देश में बने खिलौनों की मांग बढ़ रही है, मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, परेशानियां भी अनेक आईं। महामारी के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं, लेकिन हमने हर परेशानी से नए सबक लिए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री से आग्रह करता हूँ, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हों। साथियों, हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है, बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। आप हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, इस बार एक रेजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश के अंदर शेरों की संख्या बढ़ी है, तेंदुओं की संख्या भी 60% बढ़ी है। 2014 से 2018 के बीच भारत में तेंदुओं की संख्या 60% बढ़ी। 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या लगभग 7,900 थी, वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,882 हो गई। भारतीय वन क्षेत्र में भी बढ़ावा हुआ है, देश के अधिकतर राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी के मन की बात का ये संबोधन अन्नदाताओं के आंदोलन के बीच हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई गई थी कि पीएम अपने संबोधन में अन्नदाताओं के मुद्दों पर भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन पीएम ने इस मुद्दे से दूरी बना ली। मगर पीएम उनके मुद्दे पर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन अन्नदाताओं ने उनके संबोधन का ताली और थाली बजाकर पुरजोर विरोध किया है। अब इस पर पीएम मोदी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पीएम ने तो अन्नदाताओं के मन की बात नहीं की, इसीलिए अन्नदाताओं ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं के लिए एक स्कीम चलाई है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें साल में 3 बार 2,000 रुपए अन्नदाताओं के खातों में भेजे जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी अन्नदाताओं के खातों में ये पैसे गए, लेकिन अब सरकार अन्नदाताओं को नोटिस भेज रही है कि पैसे वापस करो। सरकार अन्नदाताओं से पैसे क्यों मांग रही है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से साल में 3 बार अन्नदाताओं के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। जितने पैसे सरकार अन्नदाताओं को देती है उससे ज्यादा इसका प्रचार करती है, लेकिन सरकार की योजना में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। मध्य प्रदेश में तो पहले अन्नदाताओं के खातों में पैसे भेजे गए और बाद में उनकी वसूली की जा रही है। इसे लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार को निशाने पर ले लिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि अन्नदाताओं की सम्मान निधि के तहत चुनावों को देखते हुए पहले खाते में किश्त की राशि डाली, फिर नोटिस भेजकर सम्मान निधि वापस मांगकर अन्नदाता भाइयों का किया जा रहा घोर अपमान। कुछ को तो जितनी राशि दी नहीं उससे ज्यादा वापसी का नोटिस, कुछ को झूठा आयकर दाता, कुछ को अपात्र बताकर राशि वापसी के नोटिस। किसानों का अपमान करना दबाना इनकी आदत बन चुका है। शिवराज सरकार अजब है, गजब है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अन्नदाताओं को नोटिस देकर उनका अपमान किया जा रहा है। सम्मान निधि के नाम पर सरकार ने गड़बड़ी की है, जो अन्नदाता नहीं है उन्हें राशि दे दी और अब उन्हें नोटिस भेजकर वापस मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अन्नदाताओं की सम्मान निधि का पैसा भेजा था, लेकिन जब इसकी जांच कराई गई तो इसमें कई ऐसे नाम सामने आए जो पात्र नहीं थे। अब सरकार उन अन्नदाताओं को नोटिस भेजकर सम्मान निधि का पैसा वापस मांग रही है। यहाँ सवाल ये है कि सरकार की नजर में जब ये अन्नदाता पात्र नहीं थे तो इनके खाते में पैसे कैसे गए? क्या सरकार अन्नदाताओं को जानबूझकर अपमानित करना चाहती है? पहले पैसे दिए, अब नोटिस दिया। कांग्रेस कह रही है शिवराज सरकार अन्नदाताओं से विरोध प्रदर्शन का हिसाब ले रही है। वैसे आज हिसाब जेडीयू को भी लेना था बीजेपी से। मामला अरुणाचल प्रदेश में उसके विधायकों को तोड़ने का था, लेकिन जेडीयू ने इस मुद्दे पर तो कुछ नहीं बोला। उल्टा नीतीश कुमार ने ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो क्यों दिया नीतीश ने इस्तीफा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
जेडीयू की दो दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन था। बैठक में अरुणाचल प्रकरण छाया रहा। पार्टी का हर नेता बीजेपी के कदम से हैरान था, लेकिन मजबूरी नीतीश कुमार की थी कि वो चाहकर भी बीजेपी को सख्त संदेश नहीं दे पाए, क्योंकि बिहार सरकार में वो ही मुखिया हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सरकार चलानी है तो बीजेपी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही। जेडीयू नेता संजय झा ने भी माना कि अरुणाचल मुद्दे पर कार्यकारिणी में चर्चा हुई थी। कार्यकारिणी में बीजेपी शासित राज्यों द्वारा दूसरे धर्म के युवक से शादी किए जाने को लेकर बनाए जा रहे सख्त कानून को लेकर भी चर्चा हुई। जेडीयू की ओर से साफ किया गया कि इस तरह का कोई भी कानून बिहार में नहीं बनेगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियों के बीच आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को सम्मान की खातिर एनडीए छोड़ने को कहा। आरजेडी ने यहां तक दावा किया कि यदि नीतीश कुमार अभी भी नहीं संभले तो बीजेपी अरुणाचल वाला खेल बिहार में भी खेल सकती है। लेकिन जेडीयू ने बीजेपी से अलग होने के बारे में तो फैसला नहीं किया, लेकिन बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो थी नीतीश कुमार का इस्तीफा। जी हाँ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि पार्टी अध्यक्ष और बिहार का सीएम दो पद एक साथ रखने से कई तरह की मुश्किलें आ रही थी। कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार की जगह आरसीपी सिंह को जेडीयू का नया अध्यक्ष बनाया है। आरसीपी सिंह नालंदा के रहने वाले हैं। वो नीतीश की तरह कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह नीतीश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। पहले उन्हें नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य बनवाया और अब अपनी जगह पार्टी का अध्यक्ष। उम्मीद थी कि नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी के अध्यक्ष पद से। शायद बीजेपी के विरोध की ताकत नीतीश नहीं दिखा पाए। नीतीश भले ही खामोश रह गए हों, लेकिन बीजेपी की पुरानी सहयोगी और इस समय बीजेपी विरोधी बन चुके शिवसेना ने केंद्र सरकार को जरूर घेरा है। तो क्या कहा है शिवसेना ने मोदी सरकार के लिए, देखिए ये रिपोर्ट। संजय राउत ने शनिवार को सामना के संपादकीय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का नाम विपक्षी दलों के मुखिया के रूप में सुझाया था और कहा था कि मौजूदा विपक्षी दल यानी कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण ही मोदी शाह की जोड़ी किसान आंदोलन को लेकर बेफिक्र है। और अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं और बहुत जल्द हमारे देश के राज्य भी सोवियत संघ की तरह टूट जाएंगे। साथ ही रविवार को छपे संपादकीय में राउत ने सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया है और लिखा है कि कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपना कर्तव्य भूल गया। संजय राउत ने यह भी लिखा है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सनसनीखेज खुलासा किया था कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष मेहनत की थी। संजय ने लिखा कि प्रधानमंत्री किसी राज्य की सरकार को गिराने में रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, देश एक संघ के रूप में खड़ा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वो भी राष्ट्रहित की बात करते हैं। इस भावना की हत्या की जा रही है। अब देखना है कि संजय राउत की इन बातों पर बीजेपी क्या जवाब देती है। और बुलेटिन के आखिर में बात नए साल से लागू होने वाले नए नियम की। साल 2021 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये साल लोगों की जिंदगी में कई बदलाव लेकर आएगा। सरकार भी नए साल में नए बदलाव करने जा रही है। सड़क से लेकर बैंकिंग के नियम बदलने जा रहे हैं। तो नए साल से आपको करना होगा किन नियमों का पालन, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी से नया साल तो बदलेगा ही, नए साल के बदलाव के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात सड़क से जुड़े नियम की। 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा। RBI ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेन देन की सीमा को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी है। यह 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। नए साल में GST रिटर्न में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। तो अलग अलग नियमों में होने वाले ये बदलाव लोगों की जिंदगी पर खासा असर डालेंगे। बैंकिंग से लेकर सड़क सुविधा में लोगों को नए नियमों का पालन करना होगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB Live। नमस्कार।